अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजेश फाकत। इस वक्त हम मौजूद हैं चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर में और हम आपको ये बताते चलें कि पिछले 12 साल से चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर आज़ाद कश्मीर जो है वो इंसानियत की खिदमत में पेश पेश है। यहाँ सैकड़ों मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो डायलिसिस के लिए आते हैं, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर हम करेंगे मरीजों के साथ भी। इस वक्त हमारे साथ अतीक बरसालवी साहब मौजूद हैं, हमें वो तफसीलात बताएंगे डायलिसिस सेंटर के हवाले से, क्योंकि ये डायलिसिस सेंटर के बानियों में हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की है डायलिसिस सेंटर को कामयाब करने में और बहुत सारा इनका रोल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। जी वालेकुम सलाम जी। अतीक भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, हमने पूरे डायलिसिस सेंटर का विज़िट किया है, मरीजों से भी बात की है, बड़े मुतमिन हैं लोग। इतनी मुश्किल में यहाँ लोग जब आते हैं, यहाँ अच्छी सर्विस मिलती है तो आधी बीमारी कम हो जाती है। यकीनन ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बड़े मुतमिन नज़र आए। तो थोड़ी सी हमें बताएँगे कितना ये जो सफ़र रहा, कितना अरसे का सफ़र था, क्या क्या मुश्किल पेश आई आपको इस वाले से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मैं अदालत न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े फ्लाई अदारे चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर आज़ाद कश्मीर का विज़िट किया। बेसिकली ये चौधरी गुलाम अहमद साहब और उनकी टीम ने आज से 12 साल कबल जो है वो बिम्बर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में कोई सहूलत जो किडनी के पेशेंट के लिए थी वो नहीं यहाँ मौजूद थी, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इन लोगों को चुना और इसका इस टीम ने इस काम का आगाज़ किया 12 साल कबल। 2 मशीनों से इसका आगाज़ हुआ था और आज जो है ना वो 31 मशीन है और आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है। और ये डायलिसिस सेंटर जो है ये 100% फ्री ऑफ कास्ट जो है वो अपनी सारी सर्विसेज मुहैया करता है। और आप ये देखेंगे ये अदारा जो है जिसका रोज़ाना का 1.5 लाख रुपया खर्च है और 1 महीने का 50 लाख रुपया तकरीबन खर्च बनता है और सालाना जो है ये तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपया इसका खर्च बनता है। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि 12 साल में इस मिशन के साथ इस शमा को रोशन करने के लिए जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो इस अदारे के साथ तआमन करते हैं और ये अदारा हर दिन जो इन मरीज़ों के लिए और ज़्यादा सहूलियात जो है मुहैया करने के लिए कोशिश रहता है। जी बहुत शुक्रिया अतीक साहब ने हमें तफसील से बताया चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर आज़ाद कश्मीर के हवाले से। यकीनन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि मरीज़ों को पिक एंड ड्राप की सहूलत भी दी जा रही है, महाना लाखों और सालाना करोड़ों रुपये के अखराज से ये डायलिसिस सेंटर चल रहा है और यकीनन मुखय्यर हज़रात का तावन भी इसमें पेश पेश है और बिलाशुबा ये आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है। मरीज़ों को मुफ्त सहूलियात दे रहे हैं और इसके अलावा मरीज़ों से हमने बात किया और तमाम लोग जो यहाँ पर इस वक्त डायलिसिस के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कैमरे की आँख अगर आपको दिखाए तो इस वक्त भी दर्जन मरीज़ जो हैं वो डायलिसिस के प्रोसेस में हैं। कोशिश करते हैं हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं इनकी सहूलियात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? कसगुमा से। कसगुमा से, तो कितने अरसे से आपको ये मर्ज लाग गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, तो इधर से डायलिसिस करा रहे हैं? इधर से करा रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मुकम्मल आपको फ्री सर्विस मुहैया की जा रही है? फ्री सर्विस है। ठीक हो गया जी। तो आने जाने के लिए आपको गाड़ी की भी सहूलत? इन्हीं गाड़ी है जी। ठीक है जी। तो इसके अलावा कोई आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, बिल्कुल। इस वक्त हमारी एक बहन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी। आप कहाँ की रहने वाली? पंजेड़ी। पंजेड़ी से। तो रोजाना आप आती हैं कि एक दिन? दो दिन छोड़ के तो तीसरे दिन आते हैं। तो गाड़ी पिक ड्रॉप आपको मिलता है? ड्रॉप की सहूलत है हमारे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती आपको? अल्लाह आपको सेहत दे। यहाँ पर एक हमारी बहन और भी मौजूद है, इससे भी बात करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं? इधर बिम्बर से। अच्छा, आप बिम्बर से हैं। कितने अरसे से आपको ये? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो यहाँ आपको फ्री सर्विसेज मिल रही हैं, कोई चार्जेस तो नहीं लेते आपसे? हाँ जी, सब कुछ फ्री है जी, बहुत आसानी है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन आप कहाँ से हैं?
जी मैं धंधड़ से हूँ। अच्छा धंधड़ से है, तो आपको कितने अरसे से ये प्रॉब्लम है? जी मुझे पौने दो साल से ये प्रॉब्लम है। अच्छा पौने दो साल से, तो पहले इससे पहले डायलिसिस कहाँ से करवाते? हाँ जी मैं गुजरात से करवाती थी पहले। अच्छा गुजरात से, प्राइवेट करवाती थी, वहाँ कितने पैसे लगते थे आपके? और एक डायलिसिस का 15,000 लगता था। एक डायलिसिस का 15,000? जी जी। और अब यहाँ पर आप एडमिट हुई हैं चिनार डायलिसिस सेंटर में, तो क्या आप यहाँ पर चार्जेस वगैरह तो जी सब? नो नो कोई चार्जेस नहीं, बहुत सेटिस्फाइड, बहुत मुतमईन माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, पूरी टीम को जिनका तावन है, मुहैया हजरात को जो तावन। गाड़ी भी सर्विस है, पिक ड्राफ्ट की भी? हाँ जी पिक एंड ड्राफ्ट फ्री है माशाल्लाह, सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं जी। इस वक्त एक और मरीजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम अंजुम बशीर है। आप कहाँ की रहने वाली? जी मैं जिला भिम्बर से बिलोंग करती हूँ। जिला भिम्बर से, तो कितने अरसे से आपको ये? जी मैं गुज़श्ता 22 साल से डायलिसिस की पेशेंट हूँ, तो मैं मुख्तलिफ 98-99 से मैं डायलिसिस करवा रही हूँ। 2008 में चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर का इफ्तिताह हुआ, तो सबसे पहला डायलिसिस मेरा यहाँ स्टार्ट हुआ था, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ कंटिन्यूसली डायलिसिस थ्राइस अ वीक हो रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। और मैं यहाँ पर ना सिर्फ मेरे डायलिसिस हो रहे हैं, बल्कि यहाँ मैं सर्व भी कर रही हूँ, पेशेंट्स की खिदमत कर रही हूँ। आप जॉब भी कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं इवनिंग पे यहाँ पे जॉब भी करती हूँ पेशेंट के थोड़ी मोटिवेशन के लिए। तो दूसरा ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सहरा जाता है चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर को कि आपके रेगुलर डायलिसिस हैं तो आप भी नॉर्मल हैं, और रेगुलर डायलिसिस होने की सूरत इसी वजह से है कि फाइनेंशियली पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर की वजह से हमारे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट डायलिसिस होते हैं, पेशेंट पिक एंड ड्रॉप उनको फ्री है, हर तरह की उनको फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से पेशेंट माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी की तरफ रवां दवां हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपने तमाम पेशेंट के बिहाफ पे, अपने स्टाफ के बिहाफ पर मुहैया हजरात से अपील करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हजरात आएँ और इस कार हैर में अपना हिस्सा डालें। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर दोस्त अंजमन फलाह बहबूद रजिस्टर्ड बिम्बर के सदर चौधरी गुलाम अहमद साहब, जो कि चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर के बानी हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है इस डायलिसिस सेंटर को चलाने में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जैसा। वालेकुम सलाम। जैसा क्या कहेंगे इस हवाले से आज अदालत न्यूज़ के साथ से जो आपके डोनर्स हैं उनके लिए, और बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले अदालत न्यूज़ मीरपुर का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं ये जो तंजीम है ये 12 साल पहले कायम की थी, दो मशीनों डायलिसिस मशीनों के साथ हमने इस डायलिसिस सेंटर का इफ्ताह किया था। आज अल्लाह के फजल व करम से 31 मशीनें और दो शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं। 146 पेशेंट जो हैं वो स्केड्यूल पर हैं हमारे पास, इसके बावजूद इतनी कोशिशों के बावजूद जो हैं वो काफ़ी जो 50 से ज़्यादा की लिस्ट है जो हमारे वेटिंग लिस्ट पर हैं अभी पेशेंट। तो ये नकारा गुर्दों के मरीजों की बहबूद में इस तंजीम बहबूद के लिए तंजीम काम कर रही है, और ये सारे वॉलंटियर लोग हैं हम। मैं कुछ अपील करता हूँ जो भी अदालत न्यूज़ को देख रहे हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, दुनिया में बसने वाले हमारे दोस्त अजीज़ बहन भाई हैं यहाँ से कश्मीर से पाकिस्तान से, कि जब भी पाकिस्तान आए विज़िट करें इस डायलिसिस सेंटर को, अपनी आंखों से देखें, फिर अपने जो इसकी इसको तावन करें इसके साथ, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। और जो लोग ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, हर रोज़ कश्मकश में होते हैं, उनकी जिंदगियों का उनकी ज़िंदगियां बाहर रहें, उनके उम्मीद का जो है दिया हुआ जलता रहे। मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर इस हमारी तंजीम की मदद करें, और आप मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका एक एक पैसा जो है वो सही मकसद पे खर्च होगा, जिस मकसद के लिए आप दे रहे हैं उसी पे खर्च होगा।